भाजपा की सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया और इसी बीच कयास से लगाए जा रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सबसे बड़े विभाग हैं, जो पहले से नेताओं के पास में हैं, मंत्रियों के पास में हैं, वह अब किसी और के पास में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसमें भाजपा का दबदबा रहा है। गठबंधन के बाद भी भाजपा के पास में रक्षा, गृह, वित्त सहित बड़े बड़े विभाग अभी भी इन्हीं के पास में हैं। अब हाल फिलहाल आप सभी को दिखाएंगे ये रिपोर्ट कि आखिरकार कौन कौन से विभागों को पहले ही मंत्री, जो नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, इन सब बड़े मंत्रियों के पास में थे, वे वापस से रिपीट किए गए। इन सभी की सभी जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रियों के विभागों का तस्वीर सोमवार की शाम को अब पूरी तरह से साफ हो गई। गठबंधन सरकार होने के बावजूद पावर भाजपा के पास है। रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, रेलवे, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन जैसे अहम 10 विभाग अपने पास उन्होंने रखे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन को फिर से रक्षा, गृह व वित्त मंत्रालय दिया गया। एस जयशंकर को फिर से, पीयूष गोयल को वाणिज्य और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला। अश्वनी वैष्णव को रेलवे आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है और नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और उर्वरक रसायन, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को कृषि व ग्रामीण विकास, हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय, गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।